इसको लेकिन एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं हम आगे पढ़ाई करने से पहले, इसको सर्वर को रन कर लेते हैं। B3CD जीरो फाइव रिएक्ट CD6 क्रड ऑपरेशन, ठीक है जी, और npm run dev। अच्छा जी, हमारा सर्वर चल पड़ा है यहाँ पे, और अब सर्वर चलने के बाद एक मैं डुप्लीकेट यहाँ पे स्क्रीन खोल लेता हूँ टर्मिनल की, और मैं करता हूँ cd web और npm स्टार्ट कर देता हूँ। तो इतना काम हमने जो है वो लास्ट कर लिया था। ये क्या हुआ, API कॉल बड़ी देर में चल रही है और फेल हो रही है। अच्छा जी, मेरे कोड में कुछ एरर आ चुका है, इसकी वजह से ये कोड मेरा ब्रेक हो रहा है। हाँ, फाइन कॉर्न की नई बिल्ड आई है? नहीं, मेरे पास तो इंस्टॉल है ना पहले से, तो वो भी चेंज हो गया क्या? वो तो चेंज नहीं हो सकता। ओके, पाइन कॉर्न एरर कॉलिंग पाइन कॉर्न क्लाइंट एरर कॉलिंग क्वेरी रॉ फैच एरर डिड नॉट रिटर्न अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स। नहीं तो अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि क्या चीज़ अपडेट हो गई है? अच्छा अच्छा अब आ गया, जब मैंने मल्टीपल टाइम्स हिट किया तो आ गया। एक मिनट, सर्वर रोकता हूँ मैं दोबारा, सर्वर रोक के मैं दोबारा चलाता हूँ और इसको फ़ौरन रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो फेल हो जाता है। ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये जो अवेट है ना, ये वाला अवेट जो है, ये शायद जब तक चल के कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक वो जो है ना आगे नहीं जाने देगा उसको। तो हमें वेल कोई ना कोई ऐसा तरीका भी करना होगा। अच्छा, मोंगो डीबी में ऐसा सीन नहीं है। मोंगो डीबी में जब उसको हम कनेक्ट मारते हैं ना डॉट कनेक्ट, और अगर वो जब तक कनेक्ट हो रहा होता है इतनी देर में अगर कोई क्वेरी आ जाए ना तो उसको रोक के रखता है, ठीक है, उसको वो जाने नहीं देता वापस ना। यानी एक फ़ौरन रिस्पॉन्स कर देना चाहिए ना, लेकिन वो फ़ौरन रिस्पॉन्स भी नहीं करता और फेल भी नहीं करता, उसको वो होल्ड करके रखता है। तो मोंगो डीबी में तो ये चीज़ है, अब इसमें इन्होंने ये चीज़ अभी तक हैंडल नहीं की है शायद, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ दिनों में ये हैंडल कर लेंगे। वैसे भी हम लॉन्ग रन में पाइन कॉर्न को हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमने यूज़ नहीं करना। सेम यही अप्रोच और सेम यही तरीका जो है हमारे पास मोंगो डीबी के अंदर मौजूद है। तो पाइन कॉर्न के अंदर जो है ना बहुत सारे मसले मसाइल हैं अभी। ये दिस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट मेच्योर इनफ, छोटे स्टार्टअप्स के लिए भी ये मेच्योर इनफ नहीं है अभी तक। अच्छा, हमने एडिट कर लिया था, हमने डिलीट कर लिया था इसको, राइट। अच्छा, अब हमने बनाना है ऊपर एक सर्च बार, तो आज एक सर्च बार बना लेते हैं। मैं जाता हूँ अपने वेब में, मैं जाता हूँ अपने SRC में, और app.js के अंदर हम सारा का सारा काम कर रहे हैं। तो इसमें जाके मैं क्या करता हूँ, जो मेरा JSX है जिसमें सोशल स्टोरीज़ करके मैंने लिखा हुआ है, इसके मैं टॉप पे क्या कर देता हूँ, एक अदद फॉर्म बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब भी हम कहीं पे कोई इनपुट बनाते हैं ना जब, तो हम हमेशा उसको फॉर्म की सूरत में बनाते हैं, ये आप याद रखें। चाहे वो सर्च बार हो, चाहे वो एक इनपुट बॉक्स ही क्यों ना हो, या दो हो या 10 हो,
या किसी भी किस्म का इनपुट जब हम ले रहे होते हैं ना, फॉर्म के ज़रिए ही हम वो ले रहे होते हैं ना। अच्छा, तो इसमें मैंने कहा कि जी डायरेक्ट इनपुट, और मैंने इसको कह दिया कि यार इसकी जो आईडी है वो होगी कि सर्च इनपुट, ठीक है, टाइप टेक्स्ट और सर्च, इसमें ये इसने सजेस्ट कर दिया। अच्छा, साथ में मुझे चाहिए होगा एक अदद लेबल, ठीक है, सर्च इनपुट। अच्छा नहीं, लेबल क्यों चाहिए होगा हमें, हमने तो वो लगा दिया ना, हमने तो इसमें एक ही दिखाना है, एक लाइन का दिखाना है टेक्स्ट हमने। अच्छा, इसके अंदर सबमिट का बटन जो है वो नहीं होगा, ठीक है, आप या अगर आप लगाएंगे भी तो आप उसको क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे, सही है, हिडन कर देंगे। तो ये सबमिट का बटन होगा। हाँ हाँ तो सबमिट का बटन लगाया हुआ होता है, लेकिन हम हिडन करते हैं, ये ऐसे SEO पर्सपेक्टिव से ना ये होता है कि जी जब SEO करने के लिए कोई आए ना, नहीं SEO करने के लिए नहीं, मतलब क्रॉलिंग करने के लिए कोई आए मशीन दूसरी, तो उसको ना यहाँ पे जो फॉर्म दिखे तो उसको बगैर बटन का फॉर्म ना दिखे, बटन उसको दिखे, लेकिन वो उसकी टाइप हिडन हमने लगाई हुई हो और उसको दिख रहा हो कि हाँ यार इसमें सबमिट का बटन है, तो इस पर्सपेक्टिव से लगाते हैं। अच्छा, बुक्स में मैंने अक्सर देखा है कि लोगों ने इस तरह लगाया हुआ होता है, आई एम नॉट श्योर कि इसके SEO के अलावा भी कोई पर्सपेक्टिव अगर हो तो वो मुझे पता नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, ऑन सबमिट का एक फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है, सर्च स्टोरीज करके मैंने एक नाम लिख दिया ये, और सर्च स्टोरीज़ के नाम से मुझे एक फंक्शन यहाँ पे बनाना भी पड़ेगा अब, ठीक है। अच्छा, सर्च स्टोरीज़ के अंदर जो मैं अप्रोच करूँगा वो एक्चुअली गेट स्टोरी वाली अप्रोच करूँगा, राइट, जो गेट स्टोरी के अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं एग्जैक्टली वही अप्रोच मेरी होगी, लेकिन जो गेट स्टोरी है उसके अंदर मैं कोई क्वेरी देकर नहीं भेजता हूँ, ठीक है, लेकिन अब की बार मैं क्या करूँगा, कोई ना कोई मैं क्वेरी दे के भेजूंगा। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ जो गेट स्टोरी है, और इसका नाम मैं चेंज करके सर्च स्टोरी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सर्च स्टोरी में मुझे क्या मिलेगा, इवेंट यहाँ पे मिल रहा होगा ऑब्वियसली। हाँ, जूम कर देता हूँ, सर्च स्टोरी मैंने कर दिया, सर्च स्टोरी में मुझे इवेंट मिल रहा होगा क्योंकि ये फॉर्म है, तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इवेंट के साथ साथ मुझे कुछ सर्च की टर्म भी मुझे चाहिए होगी, तो सर्च की टर्म के लिए ना मैं यहाँ पे एक रेफ़ बना लेता हूँ, ठीक है, ये इनपुट बॉडी रेफ था ना, तो मैंने कह दिया कि यार सर्च इनपुट रेफ, ठीक है, सर्च इनपुट रेफ मैंने बना दिया, जिसके ज़रिए मैं क्या उठाऊंगा, इसका जो है ना जो भी इस वक्त लिखा हुआ है इसके अंदर वो यहाँ से मैं उठा लूँगा। मैंने यूज़ स्टेट से उठा सकते हैं, लेकिन वो मैंने डिस्कस किया था कि वो क्यों हम डिस्करेज करते हैं, तुम थे उस क्लास में नहीं थे ना, बस जब भी तो तुम्हें पता नहीं लगा, वीडियोज़ रिकॉर्डेड हैं वो देख लेना, ठीक है। हम ये वाला काम कोशिश करते हैं हम रेफ से करें, हम यूज़ स्टेट से ये काम ना करें। अच्छा जी, ये फॉर्म मेरा बन के रेडी हो गया, और मेरे पास इस फॉर्म के क्लिक के ऊपर मैंने रेफ़ अटैच कर दिया है, तो ये जो रेफ़ है ना इसके ज़रिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से एक इनपुट उठा लूँगा। अच्छा, मुझे सर्च के अंदर क्या देना चाहिए, SERCH सर्च, और सर्च के बाद मुझे बॉडी में भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन जो है ना मैं इसको क्वेरी पैरामीटर में दूंगा, सही है, क्वेरी पैरामीटर में देने का रीज़न ये है कि जब आप सर्च करोगे ना तो अच्छा, असल में अभी तो हमने राउटिंग नहीं पढ़ी ना इसके अंदर, ठीक है, और हम कवर कर भी नहीं सकते, राउटिंग रिएक्ट के अंदर एक चीज़ होती है राउटर, तो अभी जब तक हमने राउटिंग नहीं पढ़ी हम तो किसी भी तरह दे दें वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब हम राउटिंग पढ़ेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि हम जो क्वेरी पैरामीटर में चीज़ दे रहे होते हैं ना वो हम URL बार से उठा के दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने कोई चीज़ सर्च की है और उसके सामने रिजल्ट आया है और वो उस URL को कॉपी कर दे और उस URL को कॉपी करके किसी को भेजे, तो वो जब उसको चलाएगा ना तो उसके पास उसी तरह सर्च हुआ पाएगा, सही है, गूगल सर्च में भी इसी तरह होता है, ठीक है। गूगल सर्च पे अगर आप जाओगे ना, आपने यहाँ पे लिखा ना कार, और कार लिख के देखो एंटर किया, तो देखो यहाँ पे ये क्या करता है, सर्च के बाद क्वेरी पैरामीटर में ना क्यू इक्वल्स टू करके ये कार लिखा है इसमें, ठीक है। उसका नतीजा ये होगा, अभी तो इंटरनेट ही पता नहीं डाउन हो गया शायद हमारा, वेल उसका नतीजा ये होगा कि ये URL मैंने पूरा अभी कॉपी किया ना। अच्छा, इमेजेस पे चला जाता हूँ मैं, ठीक है, ये इमेज पे जब जाता हूँ तो वो भी उसको URL में वो ऐड कर रहा होता है।
चल जा भाई आज की जिंदगी में यार। वेल तो इमेजेस पे जाके मैंने इस यूआरएल को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं इनकॉग्निटो खोलता हूँ और इनकॉग्निटो खोल के उसमें ये यूआरएल पेस्ट करता हूँ ना, तो ये आप करके देख लीजिएगा। अभी ये इंटरनेट का शायद कुछ बड़ा मेजर इशू हो गया है यार, तो हमने ये कर लिया है कि हमने यहाँ पे से सर्च की एपीआई कॉल कर ली है और उससे जो रिस्पॉन्स आया वो सेट डेटा के अंदर उसी डेटा में रखवा दिया, उसी स्टेट वेरिएबल में रखवा दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास एक छोटी सी चीज़ जो भी मुझे जहन में आई है कि वो हमें करनी चाहिए थी, वो ये है कि जो इनपुट की जो टाइप है ना, ये टेक्स्ट नहीं होती, ये होती है सर्च होती है। सही है, हाँ भाई, इनपुट टाइप सर्च करने से क्या फ़ायदा होता है हमें? कौन बताएगा? जिनको रिएक्ट थोड़ी बहुत आती है, ये तो HTML का सवाल है, रिएक्ट का भी नहीं है ये। सॉरी, जोर से बोलो। हाँ अच्छा, और क्रॉस पे क्लिक करने से क्लियर हो जाएगा अंदर का? अच्छा देखो, सही बताया आपने, लेकिन जो बात मैं सुनना चाह रहा था वो ये था कि सर्च करते हुए जिस किस्म की फैसिलिटीज़ बंदे को चाहिए होती है ना, जो सर्च इनपुट का एक अपना यूज़र एक्सपीरियंस है जो टेक्स्ट इनपुट से मुख्तलिफ है, तो वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँगा ना, तो यहाँ पे लिखते हुए ये क्रॉस एक बना हुआ आ रहा होगा, लेकिन इस क्रॉस पे आप ज़रूरी नहीं कि आप क्लिक करें, इस पे एस्केप का बटन दबाऊंगा तो भी ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो भी यूज़र एक्सपीरियंस होता है ना, अच्छा मैक पे ये अलग यूज़र एक्सपीरियंस हो सकता है, लिनक्स पे अलग हो सकता है और विंडोज़ पे अलग हो सकता है, ठीक है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना अपना एक यूज़र एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो वो सारा यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और मोस्टली तो चीज़ें सेम है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो क्या है, टेक्स्ट इनपुट से अलग हैं। अच्छा, इन फ्यूचर भी अगर कोई ऐसी नई चीज़ आती है, यानी सर्च इनपुट के अंदर कोई नया यूज़र एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कोई नई छोटी सी चीज़ ऐड की जाती है, तो आपकी वेबसाइट में ऑटोमेटिकली वो शो हो रही होगी। जैसे ही गूगल क्रोम अपडेट होगा तो वो फीचर आपकी वेबसाइट में भी जहाँ जहाँ सर्च आपने मेंशन किया होगा ना, तो वो सर्च बॉक्स फिर वैसा ही बना हुआ होगा, ठीक है। हालांकि अगर मैं इनपुट कर दूँ तो फिर वो वाला काम नहीं, वो शायद मुझे शायद मैन्युअली करना पड़े फिर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब भी कुछ लिखूँगा और लिख के मैं बैक स्पेस दबाऊँगा या मैं एस्केप दबाऊँगा, या देखो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ ना, जैसे कार लिखता हूँ मैं, तो ये पुराने वाले सर्च की भी शायद सजेशन वगैरह भी दे रहा होता है। इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें हैं। तो वेल, अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा चेक कर लेता हूँ कि सबमिशन मेरी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, नेटवर्क को भी मैंने क्लियर कर लिया। यहाँ पे मैं आता हूँ जी और मैं लिख के सर्च करता हूँ कार और एंटर हिट करता हूँ, ठीक है। तो ये कार की क्वेरी मेरे पास बिल्कुल सही चल पड़ी है, ठीक है। /API/V1/search और Q=car, तो ये मेरे पास सही चल चुका है। अच्छा, हमने राउटिंग नहीं पढ़ी, अगर राउटिंग हमने पढ़ी होती तो ये हम यहाँ पे भी ऐड करवाते, जैसी API कॉल होती है ना, URL में भी हम इस चीज़ को ऐड करवाते, ताकि अगर कोई URL ये ले जाके कहीं पे हिट करे और फिर हम एक यूज़ इफेक्ट बनाते। यूज़ इफेक्ट में जैसे ही पेज खुलता तो URL में चेक करते कोई क्यू के नाम से कोई सर्च बार तो नहीं है, तो हम सर्च वहीं पे फ़ौरन करवा देते, यूज़ इफेक्ट पेज लोड होने पे ही सर्च करा देते, ठीक है। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो हम इस क्लास में हम कवर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा अब मेरे पास ये API क्योंकि बनी भी नहीं है, तो इसलिए मुझे कुछ भी डेटा यहाँ पे नज़र नहीं आया। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैंने ये करवानी है कि जैसे ही मैं सर्च बार के ऊपर क्लिक करूँ ना, तो मुझे फिर ये फॉर्म नहीं चाहिए, है ना, मुझे ये फॉर्म फिर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा कुछ तरीका करूँगा कि इस सर्च बार के इनपुट जैसे ही देना शुरू करे बंदा, वो फॉर्म गायब हो जाए, वो फॉर्म क्या हो जाए, गायब हो जाए। अच्छा, ये काम मैं कैसे करवाऊँगा, ये मैं काम ऐसे करवाऊँगा, हाँ ये मैं करवाऊँगा इस सर्चिंग मे बी, इसके और भी तरीके हो सकते थे वैसे, लेकिन मैंने इस तरह करवा लिया, इस सर्चिंग मैंने करवा लिया, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, फॉल्स है। और मैं कहता हूँ कि जी जैसे ही जो है ना ये बंदा क्या करे, इस पे जो है ना ऑन फोकस करे, ऑन फोकस के ऊपर क्या हो जाए, इसकी जो वैल्यू है ना वो ट्रू हो जाए, ठीक है। और जैसे ही ये ऑन ब्लर हो, ऑन फोकस का जो अपोजिट होता है वो ऑन ब्लर होता है ना, वापस से फॉल्स हो जाए। ओ क्या किया मैंने, ये गड़बड़ की मैंने, ये
सही है। तो जैसे ही सर्च बॉक्स पे कोई हाथ क्लिक करेगा ना, तो वो नीचे से फॉर्म गायब हो जाएगा, और जैसे ही बाहर क्लिक करेगा वो फॉर्म वापस आ जाएगा। अच्छा, लेकिन जस्ट इतना काम करने से नहीं होगा, नीचे मुझे उस पूरे के पूरे फॉर्म पे ना, यहाँ इसके ऊपर ये मेंशन भी करना होगा कि जी ये इस तरह करना है। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या फॉर्म भी गायब कराना चाह रहा हूँ, मैं ये पार्ट भी गायब कराना चाह रहा हूँ, ये जो H1 है ना, ये भी गायब कराना है मैंने। ठीक है। और ये जो अलर्ट है, जस्ट ये मुझे दिखाना है। सही है। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा ये HR मैंने लगाया था, पता नहीं क्यों इसको मैं हटा देता हूँ, शायद वो शुरू शुरू में हमने HR लगा दिया था ना, तो अभी HR की मुझे ज़रूरत नहीं है। राइट, कि जब मैं यहाँ पे, अच्छा ये सर्वर मेरा शायद जो है ना फिर से चलना बंद हो गया है, आई एम नॉट श्योर कि ये, तो ये डेटा डिस्प्ले, अच्छा हो रहा है डेटा डिस्प्ले, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे एक HR बना हुआ आ रहा था जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है ना, तो मैंने उसको वैसे ही हटा दिया। तो मैं चाह रहा हूँ कि इतना पार्ट पूरा का पूरा क्या हो जाए, गायब हो जाए, और डायरेक्ट ये चीज़ जो है ना यहाँ पे आ जाए, तो हमारा ज़रा सर्च जैसा कुछ दिखना शुरू हो जाएगी स्क्रीन ना। तो मुझे उसके लिए इस पूरे आइटम को, सही है, ये जो इतना पूरा आइटम है, इन दोनों को मुझे हाइड करना है। तो या तो इन दोनों पे मैं अलग अलग लगाऊंगा, ठीक है, या तो मैं लगाऊंगा इन दोनों के ऊपर एक डिव, और उसको मैं जो है ना टर्नरी ऑपरेटर से कंडीशनल बना लूँगा कि जी आप ऐसे कर दो। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ जो इन दोनों को क्या कर ले, अपने अंदर एनकैप्सुलेट कर ले। ठीक है। और इस डिव को मैं कह देता हूँ कि यार स्टाइल और डिस्प्ले नन, जब लगाओ इस पे, ठीक है, डिस्प्ले नन मुझे उस वक्त लगाना है इसमें, नहीं डिस्प्ले नन करना क्या मुनासिब रहेगा, डिस्प्ले नन करना मुनासिब रहेगा क्या, डिस्प्ले नन करने से प्रॉब्लम ये होगी कि उसको डिस्प्ले नन को ना मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता, जस्ट वो डिस्प्ले अगर फिर मैंने फ्लैक्स बनाया होगा तो उसको वापस फ्लैक्स में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले तो चार पांच तरह के हैं, एक फ्लैक्स है, एक इन लाइन है, एक इन लाइन ब्लॉक है। अब तो मुझे ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसको मैंने वापस किस पे लाना है, तो मेरा ख्याल है शायद ये डिस्प्ले नन करना मुनासिब नहीं है। हाँ, पूरे डिव को मैं टर्नरी पर डाल दूँ वो शायद ज़्यादा मुनासिब है। सही है। इस पूरे डिव को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जी क्या है वो, इज़ सर्चिंग एंड एंड, ठीक है, नॉट, ठीक है, टर्नरी की जगह ये भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, इसको मैं लाइन को ब्रेक कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये क्लीन यूआई तैयार हो गई है। ठीक है। तो मैंने कहा कि इज़ सर्चिंग अगर ट्रू है, यानी इसमें नॉट लगा दिया मैंने कि इफ़ नॉट इज सर्चिंग है ना, यानी अगर सर्चिंग के अंदर फॉल्स है तो तब ये दिखेगा, अदरवाइज़ ये नहीं दिखेगा। तो आके अब ज़रा इसको एक्सपीरियंस करते हैं हम कि क्या होता है। अच्छा, जैसे ही मैं इस पर हाथ रखता हूँ तो क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा आइटम गायब हो जाता है, और जस्ट इतना आ जाता है ये। अच्छा, इसको गायब कराने के साथ साथ मैं एक काम और भी करना चाह रहा हूँ, एक काम और करना ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको मैं खाली कराना चाह रहा हूँ। ठीक है। मे भी मैं खाली करा भी सकता हूँ, और चाहूँ तो ना भी कराऊँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन चाह रहा हूँ मैं कि यार इस स्टेट को ना मैं खाली करवा दूँ। सही है। क्या मुझे करवाना चाहिए। अच्छा, सर्च बार जो है ना वो आमतौर पे होता है राइट साइड पे, हमने इसको किया हुआ लेफ़्ट पे, तो इसको मुझे ना राइट पे करना है एक्चुअली। तो इस फॉर्म के ऊपर मैं इसको अगर लगा दूँ, इसको अगर मैं लगा दूँ फ्लोट राइट, नहीं, अगर इसको मैं कहूँ टेक्स अलाइन राइट, तो क्या ये मुझे ला कर देगा। आ गया। सही है, क्योंकि ये फॉर्म ने पूरी जगह ली हुई है ना, तो जब बस ये जूम इनफ है। सही है। इसमें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो तो दिख रही है ना, इसमें कोई बारीक काम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलता भी तो जा रहा हूँ ना साथ साथ कि मैंने फॉर्म पे क्या लगा दिया, टेक्स्ट अलाइन राइट लगा दिया, तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो जस्ट अगर मैंने बोल दिया तो गुड इनफ है, कोड का नज़र आना इज़ नॉट मैंडेटरी। जहाँ पे कोड का नज़र आना ज़रूरी होगा वहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, तो मैं इस पर क्या करता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे कुछ ना कुछ डेटा मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मैं खाली करवा दूँ, ताकि जब मैं सर्च करूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता हो कि वो सर्च के ज़रिए रिजल्ट आया है। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेकिन उससे एक मसला होगा यार, उससे एक मसला ये होगा कि जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये खाली हो गया, जब मैंने वापस इधर क्लिक किया तो वो जब भी खाली रहेगा।
ये भी एक मसला है। हाँ, दो ऑन फोकस फंक्शन ऑन ब्लर किया है मैंने। हाँ, ये सही तुमने बोला। हाँ, एक में मैं क्या करूँगा, सेट डेटा को मैं करूँगा एम्प्टी एरे, सही है। और दूसरे में मैं क्या करूँगा, जो गेट स्टोरीज है ना, गेट ऑल स्टोरीज, उसको दोबारा कॉल कर दूंगा तो फिर आ जाएगा डेटा, है ना। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक होता है ये पूरा खाली हो जाता है। एक और मसला अच्छा, भी नो हो डेटा सकता है, क्यों नहीं आ रहा यार, ये क्या बकवास एक है। और मसला भी हो सकता है, हम अगर एंटर किया एक डेटा वैसे ही वो फेच करके लेके आ जाएगा, अगर हम बाहर क्लिक कर दें तो वो हाँ चेंज यार, हो ये सकता सर्च करने के बाद जब बाहर क्लिक करेंगे तो वो तो गायब हो जाएगा, मेरा सर्च का रिजल्ट ही गायब हो जाएगा। नहीं तो हम ये इसको रहने देते हैं, ये डेटा खाली करवाने वाला काम ना, ये हमें रहने देते हैं, सही है। अच्छा यार देखो, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इस पर थोड़ा थिंक थ्रो करना पड़ता है कि जी इसको कैसे लेके चलना है। प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म ये चीज़ वैरी करती है फिर ना, तो हमें इसको थिंक थ्रो करना पड़ता है। अब इसमें जो तुमने बात की ना कि जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे वो तो गायब हो जाएगा, तो मुझे एक एडिशनल लॉजिक लगानी पड़ेगी इसमें एक्चुअली ना। एडिशनल लॉजिक ये लगानी पड़ेगी कि जो सर्च करने के बाद अगर डेटा आ गया है, यानी ऑन ब्लर के ऊपर अगर तो स्टेट खाली है तो तब तो सारी स्टोरी ले आओ, लेकिन स्टेट में अगर कुछ है ऑन ब्लर पे तो इसका मतलब है सर्च करके बंदे ने डेटा मंगवाया। तो अगर ऑन ब्लर के ऊपर स्टेट में कुछ है ना, तो फिर मैं उसको खाली नहीं करवाऊंगा, ठीक है। फिर मैं उसको खाली नहीं करवाऊंगा, फिर मैं मुझे एक फिर एडिशनल चीज़ ये लगानी होगी कि मैं क्या करूँ, इसको आगे कट करूँ या यहाँ पे कोई एग्जिट का बटन दबाऊँ। सर्च से एग्जिट कैसे करूँगा फिर मैं, फिर मुझे उसके लिए कोई कंट्रोल देना पड़ेगा। या तो मैं इसको बिल्कुल खाली करूँ ऐसे आगे, ठीक है, स्केप दबाऊँ यहाँ पे और फिर बाहर क्लिक करूँ, ठीक है, या तो मैं कोई एग्जिट का यहाँ पे बटन दबाऊँ कि कैंसिल सर्च या एग्जिट सर्च, इस तरह की कोई चीज़ करूँगा। तो मुझे कुछ एडिशनल चीज़ें करनी पड़ेंगी इसको हैंडल करने के लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी जो है ना, मैं मेरा फॉर्म कहाँ गया, सेंटर नहीं एक्चुअली, राइट। अच्छा, मेरा ख्याल है कि फ्रंट एंड हमारा गुड इनफ हो गया, कोडिंग मुझे इधर चाहिए और रिजल्ट मुझे इधर चाहिए। फ्रंट एंड हमारा जो वो गुड इनफ हो गया, अब हम आ जाते हैं सर्वर पे और ये जो सर्च वाली एपीआई है ना, ये बना लेते हैं। अच्छा, सर्च वाली जो एपीआई है इसके अंदर भी जो स्टोरीज गेट करने में मैं जो काम करता हूँ, सेम मैंने वही काम करवाना है, बट मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करना है। अच्छा, मैं एक एपीआई में भी ये काम कर सकता था, क्योंकि मैं ये चेक कर लूँगी जी अगर मेरे पास क्वेरी पैरामीटर में कुछ आ रहा है तो वो वाला रिजल्ट ला दो, नहीं आ रहा तो सारा दे दो, ठीक है, ये भी कर सकता था, लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अलग बना रहा हूँ सर्च, ठीक है। और सर्च की एपीआई मैंने बनाई, यहाँ पे क्वेरी टेक्स्ट के अंदर अब मैं क्या लिख रहा हूँगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट क्यू, सही है, क्यू लिखा है मैंने। अच्छा, तो ये क्वेरी टेक्स्ट अब बाकी का नीचे ये सेम रहेगा, बाकी का नीचे ये कोई फ़र्क नहीं है, ये सेम रहेगा बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि जी मुझे सर्च के रिजल्ट में मुझे कितना डेटा मंगवाना है। तो मैंने कहा कि यार मुझे ना 20 रिजल्ट मंगवाना है एट अ टाइम, 20 से ज़्यादा रिजल्ट ये ना आए, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब मिसाल के तौर पर बंदा 20 से भी ज़्यादा रिजल्ट देखना चाह रहा है, तो अब वो क्या करेगा, सवाल तो है ना। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा कि जी इलॉन मस्क, मैंने ये लिखा, तो अब एलॉन मस्क के नाम से तो शायद बहुत सारी पोस्ट होंगी, है ना। तो अब एलॉन मस्क ने शुरू के तो टॉप तो ला के मुझे दिखा दिए, अब लेकिन मैं आगे भी देखना चाह रहा हूँ, जैसे गूगल में तो ना नेक्स्ट पेज कर देते हैं, तो मुझे इस तरह की कोई चीज़ करनी पड़ेगी कि मैं नेक्स्ट पेज कर दूँ। तो नेक्स्ट पेज में जब करूँगा तो फिर मैं इस क्वेरी के साथ ना, ये जो क्वेरी भेजता हूँ तो इसके साथ मैं ये भी भेजूंगा कि कितने रिजल्ट चाहिए मुझे, इसको हम कहते हैं पेजिनेशन, सही है, इसको हम क्या कहते हैं, पेजिनेशन, कि जी पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर, तो ये 20 तो करके लाएगा ये, लेकिन ये 20 शुरू के 20 छोड़ के उसके बाद वाले 20 लाएगा, फिर उसके बाद वाले 20 लाएगा, ठीक है। तो इसके लिए दो अप्रोच इस्तेमाल होती है पेजिनेशन को फ्रंट एंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए ना, एक चीज़ होती है इनफाइनाइट स्क्रॉल। इनफाइनाइट स्क्रॉल क्या होता है, उसमें नेक्स्ट पेज नहीं करते आप, जस्ट स्क्रॉल करते जाते हैं और वो खुद ही आता जाता है, जैसे फेसबुक में होता है, ठीक है। इनफाइनाइट स्क्रॉल के लिए कंपोनेंट्स बने हुए मौजूद हैं NPM के ऊपर, ठीक है ना, जो आप रिएक्ट के कंपोनेंट हैं जो इनफाइनाइट स्क्रॉल को देख रहे होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट स्क्रॉल में होता कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा फंक्शन होता है, जैसे ही आप पेज के आखिर में पहुंचते हैं ना वो फंक्शन हिट हो जाता है,
तो आप दोबारा डेटा मंगवा लेते हैं और लाके डिस्प्ले करा देते हैं, फिर आप उसके आखिर तक पहुँचते हैं, एक और फंक्शन हिट हो जाता है, तो आप दोबारा डेटा लाके, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, जो पेजिनेशन वाला है उसके लिए मुझे इस तरह का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें तो बस नीचे मैं बटन दबाता हूँ, मैं कहता हूँ नेक्स्ट, तो वो अगले पेज पे मुझे ले जाता है और वहाँ पे जो नेक्स्ट 20 है वो दिख रहे होते हैं। तो फिलहाल मैंने टॉप के सिर्फ 20 मंगवाए, लेकिन इसको आप इनफाइनाइट स्क्रॉल या पेजिनेशन के जरिए मजीद डेटा भी मंगवा सकते हैं। अच्छा देखो, मोंगो डीबी के अंदर तो ये होता है कि स्किप और लिमिट का दो मेरे पास पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर ये काम मैं मोंगो डीबी में कर रहा होता ना, तो ये पूरी क्वेरी तैयार करने के बाद ना मैं यहाँ पे करता कि डॉट स्किप और 20 को स्किप मारो और फिर डॉट लिमिट और 20 करो। तो लिमिट तो इन्होंने जहाँ पे टॉप के करके दे दिया है, तो लिमिट हटा दो। अब ये स्किप का इसमें कोई तरीका है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में देखना पड़ेगा। नहीं, फ्रंट एंड से मतलब यहाँ पे क्वेरी में बताना पड़ेगा ना आपको। या तो ये करेंगे हम कि यहाँ पे अगली दफ़ा मैं 40 मंगवा लेंगे और 20 को यहाँ छोड़ के 20 लेके जाएंगे उधर ये ना, लेकिन दिस इज़ नॉट स्केलेबल अप्रोच है ना, ये स्केलेबिलिटी से हर्ट होगी कि जी वो अब वो अगले पेज पे जाता जाएगा जैसे जैसे, तो मेरे सर्वर पे अगली दफ़ा वो 3-4 हज़ार तक गेट करना शुरू कर देगा। वैसे तो कोई मसला नहीं है 3-4 हज़ार डॉक्यूमेंट भी गेट करें, लेकिन ये स्केलेबिलिटी को हर्ट करेगा कहीं ना कि वो मतलब एक बंदा अगर नेक्स्ट नेक्स्ट करता है तो उसका सर्वर पर लोड पहले से ज़्यादा आने लगता है, ठीक है। तो ये स्किप वाला काम इसके अंदर ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, यानी इन जनरल डेटाबेसेस के अंदर ना ये ऑप्शन होता है स्किप वाला, ठीक है। तो इसके अंदर भी होगा, एक तो होता है ना जी डेटाबेस टू डेटाबेस कुछ चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर डेटाबेस में जब तक होगी नहीं उसको डेटाबेस कहलाने का हक हासिल होगा ही नहीं, ठीक है ना। जैसे क्वेरी करने की जो कैपेबिलिटी है, अगर कोई डेटाबेस होगी जी आप डेटा इंसर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन गेट करते हुए आपको सारा का सारा एक साथ ही गेट करना होगा, आप क्वेरी नहीं लगा सकते इसके ऊपर, ठीक है। तो उस वो फिर कैसा डेटाबेस है यार, इसमें क्वेरी नहीं है, ठीक है। और ऐसा एक डेटाबेस है मार्केट में, उसका नाम है फायरबेस। वो कहते हैं कि डेटा तो आपने डाल दिया लेकिन आप क्वेरी इस पर नहीं लगा सकते, आपको सारा का सारा डेटा एक साथ गेट करना होगा, उसके बाद आप फ्रंट एंड पे जो दिल करे आपका फिर वो करते रहना आप तो मेरे हिसाब से तो ऐसे डेटाबेस को डेटाबेस कहलाने का हक हासिल नहीं है। तो इसी तरह रेप्लिका सेट करके एक चीज़ होती है, वो भी ज़रूरी है अगर किसी डेटाबेस में नहीं है, अगर वो जैसा कि फायरबेस में नहीं है, ठीक है। रेप्लिका सेट क्या होता है कि एक ही डेटाबेस का एक और रेप्लिका बन रहा होता है साथ साथ, ठीक है, दोनों में डेटा को डुप्लीकेट किया जा रहा होता है। बहुत सारे पर्पस होते हैं उसके, समटाइम उसको परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, समटाइम उसको एज अ बैकअप यूज़ किया जा रहा होता है, तो वो भी फायरबेस के अंदर, फ्री वाले में तो एटलीस्ट नहीं है, शायद पेड वाले में पता नहीं देते हों, लेकिन इस तरह के बहुत सारे उसके अंदर मसले हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये डेटाबेस इन्होंने सीरियसली बना रहे हैं ना, तो इधर स्किप का कोई ना कोई फीचर रखा होगा, वो डॉक्यूमेंट्स में देख लेंगे हम। अच्छा, तो ये हो गया जी, नीचे का सारा सारा आइटम मेरे पास सेम ही होगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो मैंने दो काम किए इसमें, जस्ट इसका क्वेरी जो टेक्स्ट था वो एम्प्टी स्ट्रिंग जाता था, उसके अंदर मैंने कुछ ना कुछ टेक्स्ट लगा दिया, और अगला काम मैंने ये किया कि इसकी लिमिट कर दी मैंने 20, क्योंकि गेट स्टोरीज में तो मुझे अच्छा गेट में भी बाय द वे ना हमें पेजिनेशन लगाना होता है, जैसे अभी हमने किया था ना कि गेट में हमने 11,000 लिख दिया था मैक्सिमम, तो जी वो शुरू शुरू में तो सही है, 8-10-50-100 पोस्ट है तो इतना मसला नहीं है उसमें, वो जैसे जैसे पोस्ट बढ़ेगी, जाहिर है फेसबुक के ऊपर 100 पोस्ट तो नहीं है ना, उसके ऊपर मिलियंस के हिसाब से डेली पोस्ट आ रही होती है, तो वो इतनी सारी पोस्ट अगर मैंने ऐसे गेट की ना तो ये वैसे भी डेटाबेस मेरा बैठ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली गेट स्टोरीज में भी ना, जो गेट ऑल स्टोरी मैंने कॉल किया हुआ, उसमें भी पेजिनेशन होगी, ठीक है, पेजिनेशन के बगैर वो काम नहीं होगा। तो ठीक है जी, ये मेरी सर्च की जो API थी वो रेडी है। अब आके हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और ज़रा नेटवर्क खोल लेते हैं, और नेटवर्क खोल के ज़रा इसमें हम सर्च चलाते हैं। अच्छा, अब मेरे पास कौन सा ऐसा पोस्ट है जिसके अंदर जो है ना, हमने एक अर्थ करके पोस्ट नहीं लगाई थी, चलो मस्क लगाते हैं, मैं इसके अंदर मस्क लगा के मैंने एंटर किया, लोडिंग चला, हाँ सही है ये मस्क वाला। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये वापस क्लिक करने पे ये स्टोरीज वापस आ रही हैं, सही है ये फॉर्म वापस आ जाता है। मैं बाहर के, मेरी पूरी स्क्रीन हिल रही है, जो कि आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमें इस वाले को ना, ये बजाय फॉर्म को हिडन शो कराने के, मुझे UI थोड़ी सी एक बेहतर UI सूझ रही है अभी, वो कर लेते हैं। हाँ, इसको नीचे लगा लेते हैं, इस पूरे को कट करके ना यहाँ से, बजाय इसके कि हम इसको फॉर्म के ऊपर लगाएं, हम इसको फॉर्म के नीचे लगा देते हैं, ये अलर्ट वगैरह के साथ के भी बाद, ठीक है, इस जगह पे लगा देते हैं। तो ये इस सर्चिंग वाला काम ही मैं बंद करा देता हूँ, इसकी मैं ज़रूरत ही नहीं है अब मुझे, है ना, इसकी अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जो इस सर्चिंग करता था ना मैं, ये
सही है। अब मैं ये इसको हाइड वाइड करवाऊंगा ही नहीं, मैं बस यहाँ पे इसको लिखूंगा मैं मस्क और एंटर करूंगा, लोडिंग खुद ही आएगा और नीचे जो है वो क्या करेगा मुझे रिजल्ट ला के दे देगा। ठीक है, यूआई ना मेरी मूव नहीं करनी चाहिए, किसी क्लिक पे यूआई मेरी बिल्कुल उड़ के उधर भागे ना तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ हाँ एनिमेशन लगा सकते हैं, उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बंदा ना बंदे की जो आँखें हैं ना वो उसका एक FPS है ना। ठीक है, बंदे की आँखों का एक FPS है। मिसाल के तौर पे अगर जैसे 30 FPS पे अगर कोई बंदा देख रहा है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो क्या है, लेकिन 30 FPS पे अगर एक बंदा देख रहा है ना, तो अगर कोई चीज़ 30 FPS का क्या मतलब है कि एक सेकंड में 30 फ्रेम देख रहा है वो, है ना, वो बंदा अगर 30 FPS पे देख रहा है तो अगर कोई चीज़ इतनी जल्दी हुई है ना कि वो एक फ्रेम जितनी देर में चेंज होता है उससे भी कम टाइम में हो गई, तो उसको वो पता नहीं लगेगा कि हुआ क्या है, उसको उसको लगेगा उसके सामने से गायब हो गई चीज़, हालांकि वो मूव करके कहीं गई लेकिन उसको लगेगा गायब हो गई है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स ना, कि आपने क्या करना होता है किसी भी चीज़ को अगर आप मूव करवा रहे हैं, जैसे स्क्रॉल करवा रहे हैं आप ये, तो स्क्रॉल आपने इतना इस तरह कराना होता है कि बंदे की आँखों को रियलाइज़ हो जाए कि हाँ ये मूव करके ऊपर गया ये, हालांकि वो हमारे पास क्या होता था कि जैसे ही हम इधर क्लिक करते थे ठक ठक भाग रहा होता था वो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस ना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो हम यार कुछ नई पोस्टें कर लेते हैं ज़रा, यहाँ पे क्या ख्याल है, कुछ नई पोस्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हम आई लव कॉफ़ी, सही है, ये मैंने दो पैराग्राफ यहाँ से उठा लिए कॉफ़ी के बारे में, सही है, और इसको पोस्ट कर दिया मैंने, लोडिंग पोस्टेड। अबे यार ये टॉप पे क्यों नहीं आई, देखो ये एक मसला है ना, इसमें अब सॉल्ट नहीं है इसके अंदर। अच्छा अब देखो इसमें कहीं टी का तो जिक्र नहीं है, इस कॉफ़ी के पूरे पैराग्राफ में कहीं पे टी का जिक्र नहीं है, सही है, लेकिन जब मैं टी लिख के सर्च करूँ ना तो उसको आना चाहिए और टॉप पे आना चाहिए, क्योंकि टी नहीं है तो टी के सबसे क्लोजेस्ट, टी के बाद क्या आता है, कॉफ़ी आती है। पहले इसको पहले तो टी लिखते हैं ना, कॉफ़ी आएगा ना क्लोजेस्ट है उसका, ये आ गया कॉफ़ी टॉप पे, ये इसका लेवल है, ये नेक्स्ट लेवल सर्च है। ठीक है, अगर कॉफ़ी लिखूंगा तो देखो फुल टेक्स्ट सर्च में ये काम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, या इसके अंदर मैं कोई और भी चीज़ लिखूंगा ना, अगर अगर मैं चॉकलेट लिखूंगा, अगर नहीं डार्क लाइट तो फिर वो अलग हो जाएगा ना, डार्क में ये नहीं आएगा, डार्क में फिर कोई और दूसरी चीज़ आएगी, लेकिन अच्छा अगर मैं चॉकलेट भी लिखूँ ना तो चॉकलेट भी कॉफ़ी से करीब करीब होता है, तो भी ये आएगा ऊपर, सही है, चॉकलेट लिखा ना मैंने, ये लोडिंग चल रही है अभी, लोडिंग कंप्लीट होती है तो ये आएगा हमारे पास। भाई कितना टाइम लगा रहा है, क्या बकवास है ये मेरी, हाँ आ गया ना, सही है, अभी भी कॉफ़ी ही आया है टॉप पे। ठीक है, अच्छा देखो इसमें शुगर लिखा हुआ है ना, अगर तो अगर मैं स्वीट लिखूँगा तो भी आएगा ये, अब फेल हो गया, क्या हुआ है अब इसको, क्रैश नहीं हो गई वो, उसकी कोई लिमिट शिमिट उसने लगाई हुई है शायद, मैंने सर्वर को रोक के दोबारा चलाया और अब मैं इसको दोबारा क्या करता हूँ, स्वीट लिख के एंटर करता हूँ, अगेन लोडिंग हो रहा है ये। ठीक है जी, अच्छा स्वीट में वो नहीं आया, लेकिन स्वीट में शायद ये इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो स्वीट से ज़्यादा शायद करीब तरीन है, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं, रिफ्रेश करता हूँ, शायद पेज सही चला नहीं है, शायद क्या आना चाहिए अच्छा स्वीट में ना ये नहीं आया, स्वीट में कॉफ़ी बहुत नीचे चली गई। अच्छा फिर इसी तरह ना ये पूरे सेंटेंसेस के अंदर भी ये कर रहा होता है, पूरे सेंटेंसेस में भी ना, कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा सेंटेंस है ना जो द सीड ऑफ कॉफ़ी प्लांट, ठीक है, तो अगर मैं इसमें लिखूँगा ना कि
द सीड ऑफ प्लांट भी लिखूंगा अगर कॉफी मिस कर दूंगा मैं तो भी ये आ जाएगा मेरे पास में, यानी अगर ठीक है ये आ गया मेरे पास। अच्छा अब एक पोस्ट मेरे पास थी जिसमें, अच्छा ये टेक्स्ट और उसमें दोनों में है ना, ये टाइटल और बॉडी दोनों को क्यों मैंने शुरू में रखवाया था, तो ये दोनों के ऊपर सर्च कर रहा है। अच्छा अगर मैं अब इलॉन मस्क लिखता हूँ ना, तो इलॉन मस्क क्या है, एंटरप्रेन्योर है। तो अगर मैं टेस्ला लिखता हूँ तो वो इलॉन मस्क से करीब करीब बात कोई है। स्पेस एक्स अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे आगे, अच्छा आई एम नॉट श्योर कि स्पेस एक्स अब ये वर्ड है ये उनके बैग में होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि जिनका हमने वेक्टर इस्तेमाल किया ना, यानी कि ओपन एआई वालों का वेक्टर इस्तेमाल किया है, तो उनके वर्ड बैग में आया कि ये वर्ड मौजूद है भी या नहीं है। अगर ये वर्ड मौजूद होगा ना उनके पास, तो ये करीब तरीन किससे होगा, एलॉन मस्क से होगा। ठीक है तो करके देखते हैं ट्राई, आ गया एलॉन मस्क। ठीक है तो जो भी करीब तरीन जो भी चीज़ होगी ना, अच्छा और एलॉन मस्क क्या है भाई, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर भी लिखूंगा तो आएगा है ना, एलॉन मस्क इन्वेस्टर तो है, और टेस्ला भी लिखूंगा तो ये आएगा, इन्वेस्टर लिखा मैंने, अरे मेरा नाम आ गया अच्छा एक्चुअली करता ये क्या है कि जब इसको कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, कि मतलब किसी से भी करीब तरीन जब ये नहीं होता है, तो फिर ये क्या करता है, जिस सीक्वेंस में ये गेट पे लेकर आता है ना, उसी सीक्वेंस में लेकर आ जाता है, ये करता है। फिर ये सही है नहीं, उसका कॉन्फिडेंस बताता है, ये यहाँ पे कॉन्फिडेंस बता रहा होगा, ये अभी तो वो कॉन्फिडेंस हमने उसको देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस मैंने प्रिंट करवाया हुआ है इस जगह पे ना। ये देखो अभी जो सर्च लगा है ना, अभी सर्च में ये आ तो गया वैसे इलॉन मस्क, अभी टेस्ला लिखे ना तो इलॉन मस्क आ गया। अब देखो टेस्ला लिखने पे जो है ना, देखो 0.8 स्कोर आया है इस वाले का, इलॉन मस्क रिट्रीटेड का, अच्छा 0.8 ही आया है इसका भी, सम न्यू पोस्ट का भी आया है, सही है। अच्छा 0.7 आया है ये इस वाले का, ठीक है इसी तरह कॉफ़ी का जो है वो भी 0.7 आया है, कि वो इससे 0.7 कॉन्फिडेंस है उसको कि जी इतना करीब है ये। ठीक है अच्छा जब मैंने लास्ट यहाँ पे क्या लिखा था, इन्वेस्टर लिखा था ना, कंट्रोल जेड करूँगा तो इन्वेस्टर आ जाएगा इस पर। अब इन्वेस्टर पे जो रिजल्ट आए थे ना इसके, उस पर देखो अब ये क्या कॉन्फिडेंस बता रहा है, ठीक है ये बता रहा है कि जी ये इसका कॉन्फिडेंस है। अच्छा अगर मैं एग्जैक्टली पूरी बात लिख दूँ, यानी एग्जैक्टली मैं क्या लिख दूँ, इलॉन मस्क लिख दूँ मैं, तो फिर कॉन्फिडेंस क्या हो जाना चाहिए, पूरा 100% हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो मैच हो गया पूरा का पूरा। आगे देखते हैं इस पे क्या कॉन्फिडेंस है इसका। अच्छा 0.9 इसने अभी भी किया है, ठीक है 1 पूरा नहीं किया इसने, यानी 0.99 एक्चुअली होगा, क्योंकि वो एक डेसिमल पॉइंट मैंने प्रिंट करवाया ना, तो इसलिए मुझे 0.9 दिख रहा है, वो एक्चुअली 0.99 होगा। देख लेते हैं ना, मैंने जो कंसोल लगाया उसमें वो 2 फिक्स करके मैंने क्या लिखा है, 2 फिक्स करके मैं अगर इसको 2 लिख दूँ या 3 लिख दूँ एटलीस्ट, तो 3 पे मुझे ये 0.9 के साथ क्या दिखाता है, एक्चुअली 0.99 दिखाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। अरे भाई अब 0.8 हो गया वेल तो ये स्कोर हैव समथिंग टू डू विद ना, कि ये क्या चक्कर है। अच्छा जी तो सर्च की फंक्शनैलिटी हमने कंप्लीट कर ली है, और इसको अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रख के मारूंगा तो भी ये क्या लाएगा, तो भी ये जो गेट वाले सीक्वेंस में जो आता है ना वही आएगा इसके अंदर, ठीक है जो गेट वाले सीक्वेंस में आता था वो आ गया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको अपने हाथ से बनाना है, और इसमें अलग अलग टॉपिक पे आपने पोस्ट करके और उसको सर्च करवा के देखना है कि क्या बिहेवियर है इसका ना। ठीक है वेक्टर डेटाबेस एक नई चीज़ है, मैं आपको बताऊं अगर आपको सिर्फ वेक्टर डेटाबेस पे भी आपका हाथ सेट है ना, तो आपको सिर्फ इसकी भी जॉब मिल जाएगी इस वक्त, क्योंकि इस वक्त ये इतनी नई चीज़ है, लोग अपनी एग्जिस्टिंग वेब एप्लीकेशन के अंदर ना ये वाला सर्च लगवाने के चक्कर में पागल हुए हैं। हालांकि है कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, आसान है ये, ठीक है ना, मतलब इतना है कि हमने 2 क्लासेस में कवर कर लिया, और 2 क्लासेस में भी कवर इस सेंस में किया कि हमने सर्वर पूरा बनाया, फिर फ्रंट एंड पूरा बनाया। अगर मैं सिर्फ वेक्टर पढ़ाता तो शायद ये आधे घंटे की बात है, आधे घंटे से ज़्यादा का टॉपिक नहीं था ये।
है ना। तो अगर आपका सिर्फ ये वेक्टर डेटाबेस का भी एक एग्जाम्पल बना हुआ होगा ना कि जी ये मेरे पास एक इस तरह की एक सोशल स्टोरी है आपके पास और इसमें वेक्टर सर्च लगा हुआ है, लिखते हैं आप तो वो रिजल्ट आता है, ठीक है, तो आपको इसकी भी सिर्फ जॉब मिल जाएगी। तो ये इतनी नई चीज़ है हमारे पास ना। अच्छा, अब हमने अगला काम क्या करना है? अगला काम हमने ये करना है कि हमने जो यहाँ पे लगाया ना, ये पूरा का पूरा आप समझ लें कि पाइन कोन जो लगाया हुआ है, तो अब पाइन कोन से ना हटा के ये काम हमें वापस किस पे लेके जाना है? ये वापस हमें मोंगो डीबी पे लेके जाना है। सही है, वापस इसको मोंगो डीबी पे लेके जाना है और यही वाला वेक्टर सर्च हमने मोंगो डीबी के ज़रिए करना है, ठीक है। इसका आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला है। मोंगो डीबी वेक्टर सर्च लिखूँगा ना, ये आ गया एटलस वेक्टर सर्च। तो इस आर्टिकल को हम फॉलो करेंगे। अरे ये क्या बकवास है, गेट स्टार्टेड ना, एक्सप्लोर द ट्यूटोरियल। अच्छा, इसको सिमेंटिक सर्च भी कहते हैं ना, वेक्टर सर्च भी कहते हैं, इसको सिमेंटिक सर्च भी कहते हैं। अच्छा, ये आर्टिकल है, ये शुरू से लेके आखिर तक जो है ना, इन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। इस आर्टिकल को हम फॉलो करेंगे और इस पूरे के पूरे सेटअप को मोंगो डीबी पे मूव करेंगे, क्योंकि हमने देखा है पाइन कोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं लग रही है ना, जैसे स्किप वगैरह ये सारी चीज़ें। क्योंकि मोंगो डीबी, तो मेरा भी एक्सपीरियंस ज़्यादा है मोंगो डीबी पे, आप सब लोगों का भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा है मोंगो डीबी पे ना, जो आप पहले से कर रहे हैं, ये थोड़ा 1-1.5 महीने पहले से कर रहे हैं, तो इस पे शायद ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है। चलो भाई आओ शुरू करते हैं।